औरंगाबाद के लिए 6 पुलिस डीएसपी रैंक पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। इनको भी प्रशिक्षण के दौरान विधि व्यवस्था के कार्यों को किस तरह से हैंडल किया जाता है उसमें मदद करने, ट्रेनिंग लेने और विधि व्यवस्था संधारण में डेपुटेशन के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। बाकी अरेंजमेंट देखिए, ये पुलिस मुख्यालय स्तर का अरेंजमेंट है। गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति, NDRF की प्रतिनियुक्ति, SDRF की प्रतिनियुक्ति, बोट और बोट से पेट्रोलिंग, वो सारे अरेंजमेंट जिला स्तर पर अलग अलग घाटों के हिसाब से किया गया है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि दीपावली और छठ का महापर्व आने वाला है, जिसको लेकर जो बिहार पुलिस है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। और वहीं आपको बता दें कि आज जो बिहार ADG मुख्यालय हैं GS गंगवार, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि दिवाली और छठ महापर्व को लेकर तमाम जो तैयारियां होती है वो कर ली गई और पुलिस पूरी के तरीके से अलर्ट मोड में। और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि सड़क से लेकर गंगा घाट तक हर जगह आपको प्रशासन की तैनाती मिलेगी। और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि पूरे 30 कंपनियों को तैनात किया गया है। और भी क्या कुछ करें ADG मुख्यालय GS गंगवार, आप देखिए इस वीडियो में। ठीक है, पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं इधर विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में जो कार्रवाई हाल फिलहाल के दिनों में की गई उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। आगामी पर्व त्यौहार का समय है, दीपावली, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा और छठ पर्व के अवसर पर सभी प्रकार की विधि व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा आदि सभी पहलुओं को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बलों की व्यवस्था कर दी गई है पुलिस मुख्यालय के स्तर से, जिसमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 18 कंपनी लगाई गई है। इसके अलावा दंगा निरोधक बल की 12 कंपनी, इस प्रकार से कुल 30 कंपनी बल अतिरिक्त जिलों में उपलब्ध करा दिया गया है जो विधि व्यवस्था संधारण में काम आएगा। उसके अलावा जो हमारे ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे अवर निरीक्षक और DSP हैं, जिनकी संख्या 2179 जो है वो पुलिस अवर निरीक्षक और 34 DSP, इनको भी प्रशिक्षण के दौरान विधि व्यवस्था के कार्यों को किस तरह से हैंडल किया जाता है उसमें मदद करने, ट्रेनिंग लेने और विधि व्यवस्था संधारण में डेपुटेशन के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। पटना में छठ काफ़ी व्यापक पैमाने पर मनाया जाता है। इसके अलावा देव औरंगाबाद सूर्य मंदिर के पास भी व्यापक तरीके से छठ का पर्व मनाया जाता है। इन दोनों स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। उसके अलावा औरंगाबाद के लिए 6 पुलिस DSP रैंक पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं पटना में 30 DSP स्तर के पदाधिकारियों को अतिरिक्त तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा पटना, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा, औरंगाबाद तथा गया जिले में स्थानीय रूप से जिला पदाधिकारी से करीब 2800 होमगार्ड बल की भी अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया है, जो उनको उपलब्ध होगा और उसका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आगामी पर्व त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने, विधि व्यवस्था बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने, भीड़ नियंत्रण और किसी भी प्रकार की आकस्मिक मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती कर दी। बाकी अरेंजमेंट देखिए, ये पुलिस मुख्यालय स्तर का अरेंजमेंट है। गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति, NDRF की प्रतिनियुक्ति, SDRF की प्रतिनियुक्ति, बोट और बोट से पेट्रोलिंग, वो सारे अरेंजमेंट जिला स्तर पर अलग अलग घाटों के हिसाब से किया गया है। घाटों में जो सेफ घाट हैं वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था करना, साइनेज लगाना, बोर्ड लगाना, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था, वो काम। जो घाट खतरनाक हो गए हैं उनको चिन्हित करना, वहाँ पर लोगों की भीड़ जाने से रोकना, और चूंकि देर शाम तक अर्घ चलता रहता है तो देर शाम तक जो लौटने वाले लोग हैं उनके लिए भीड़ का नियंत्रण, ट्रैफिक का अरेंजमेंट, बच्चों के लिए अरेंजमेंट, ये सारी की सारी प्रतिनियुक्ति हमने 31 तारीख तक की, 31 तारीख से की है। और ये प्रतिनियुक्तियाँ हमारी 24 तारीख से शुरू होकर 31 तारीख तक। दिवाली में सर कई तरह की अगलगी की घटना घटित होती है, सभी सभी तरह के जो दिवाली पर अगलगी की घटना हो,
या जो पटाखा चलाने के कारण प्रदूषण का मामला, वो सभी जिला लेवल पर स्थानीय लेवल पर डिटेल ऑर्डर डीएम एसपी निकालते हैं और फिर थाना बीडीओ और एसडीएम और एसडीपीओ के लेवल से उसकी मॉनिटरिंग करके कार्रवाई की जाती है। तो ये विशेष हमारा था। इधर हमारी जो मुख्य उपलब्धियां हैं अपराध के प्रति, उसमें जो मुख्य है, तभी आपने देखा जो एडीजी मुख्यालय हैं जी एस गंगवार, उन्होंने साफ साफ कहा कि 30 कंपनियों को पूरे तैयार किया गया है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सड़क से लेकर गंगा घाट तक हर तरफ पुलिस बल की तैनाती होगी। और वहीं उन्होंने भी कहा कि फायर ब्रिगेड और तमाम जो गाड़ियां होती है सब तरह की तैनाती भी की गई। और भी क्या कुछ कह रहे थे एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।